Greetings everyone in the name of our Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम. इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद. एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग योर रेस्पॉन्सेस एंड फीडबैक. आपके विचारों को भेजने के लिए भी धन्यवाद. वी आर ग्रेटफुल दैट यू आर टेकिंग योर टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. हम आपके आभारी हैं कि इतने व्यस्त होने के बावजूद आप समय निकालकर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. मे गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको आशीष दे. लास्ट वीक वी वर टॉकिंग अबाउट गॉड्स किंगडम. पिछले हफ्ते हम प्रभु के राज्य के बारे में रहे थे. Because this subject has been in my heart for so many days. क्योंकि ये पाठ मेरे हृदय में कई दिनों से था. Because I am learning just like you. क्योंकि बिल्कुल आपकी तरह मैं भी सीख रहा हूँ. I am experiencing God's kingdom in my life these days. मैं परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में इन दिनों में महसूस कर रहा हूँ. And my only prayer is, Lord, what would it be if your heaven invades everything I do today in this earth? और मेरी प्रार्थना सिर्फ ये है, हे प्रभु, इस संसार में मैं जो भी करता हूँ उसमें अगर स्वर्ग भागी हो तो कैसा रहेगा? Because this was the question that Nicodemus had. क्योंकि निकोदेमस की भी यही प्रश्न था. We talked about it last week. पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में देखा. He was a very learned man. बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था. But all the religious books that he had did not give him this answer. लेकिन उसके पास जितने भी धार्मिक किताब थे उनमें से उसने इसका उत्तर नहीं पाया. How can we be a part of that kingdom? हम उस राज्य के भागी कैसे हो सकते हैं? And Jesus said, और यीशु ने कहा, Unless you be born again, जब तक तुम पुनर्जन्म ना लो, you will not enter into this kingdom. इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. So what does this kingdom look like? तो ये राज्य कैसा है? Let me share my experience. मैं अपना अनुभव बताता हूँ. Place where I come from, जिस जगह से मैं आता हूँ, is a small state of India called Sikkim. वो सिक्किम है जो भारत का सबसे छोटा राज्य है. It was a country. It was a kingdom till 1975. 1975 तक वो एक साम्राज्य था. And then it became the 22nd state of India. उसके बाद वो भारत का 22वां राज्य बन गया. I could not experience the effects of that kingdom much. उस साम्राज्य को मैं महसूस नहीं कर पाया ज्यादातर. But I heard my parents talking about this kingdom. लेकिन उस साम्राज्य के बारे में अपने माता पिता को कहते सुना है. And very next to my state is a country called Bhutan. मेरे राज्य के पास एक देश है जिसका नाम भूटान है. Which is still a kingdom. जो आज भी साम्राज्य है. And a king rules over that country. और उस देश में एक राजा है जो उस पर राज करता है. And then there's another country called Nepal. एक और देश है जिसका नाम नेपाल है. It was also a kingdom till recent times. हाल ही तक वो भी एक साम्राज्य था. Now it has become a democratic country. अब वो एक लोकतांत्रिक देश बन गया. And I had much chances to look at these kingdoms. मेरे पास कई अवसर थे कि मैं इन राज्यों को देख सकूं. What does a kingdom look like? एक राज कैसा लगता है? I was brought up surrounded by the cultures of this kingdom. इन राज्यों के संस्कृतियों के बीच में मैं पला और बड़ा. The kingdoms have a king. साम्राज्य के एक राजा होते हैं. And many of us, since we live in democratic countries, हम में से कई लोग क्योंकि हम लोकतांत्रिक देशों में रहते हैं, where the rights of an individual is given the highest priority, जहां व्यक्तिगत हक को प्रथम स्थान दिया जाता है, we don't know, we haven't experienced what a kingdom looks like. हम नहीं जानते कि एक साम्राज्य सचमुच में कैसा लगता है. We have never experienced what it means to live under the influence of a king. हमने कभी महसूस नहीं किया कि अगर हमारे ऊपर एक राजा है और हम पर राज करेगा तो कैसा होगा. Because we live in a nation where our rights are given the highest priority. क्योंकि हम ऐसे एक देश में रहते हैं जहां हमारा जो व्यक्तिगत हक है उसको सबसे प्रथम स्थान दिया जाता है. We have the right to raise our voice. हमारे पास आवाज उठाने का हक है. We have the right to change governments. हमारे पास सरकार को बदलने का हक है. People's voice is the strongest. लोगों की आवाज जो है वो सबसे सामर्थी है. People are the decision makers. फैसला बनाने वाले आम आदमी हैं. People make laws. आम आदमी कानून बनाते हैं. People elect the leaders. आम आदमी अपनी नेताओं को चुनते हैं. People are the king makers. आम आदमी राजाओं को बनाते हैं. If we feel there is injustice being done to us, अगर हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, we can approach the courts of law. हम न्यायालय में जा सकते हैं. There are courts to defend our rights and duties. हमारे हक और कामों के लिए लड़ने के लिए न्यायालय बनाए गए हैं. There are laws framed to protect us. हमारी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं. I was in Australia recently. हाल ही में मैं ऑस्ट्रेलिया में था. And there was one little kid who was playing around. वहाँ एक छोटा सा बच्चा था जो खेल रहा था. And then one of the person in the congregation, उस कलीसिया का एक इंसान, told me the laws are very strict.
उन्होंने कहा कि कानून जो है वो बहुत ही कठोर है। यू कांट डू एनीथिंग टू किड्स नाउडेज। आजकल बच्चों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। यू कांट इवन बीट देम। आप उन्हें मार भी नहीं सकते। यू कांट पनिश देम। आप उन्हें दंड नहीं दे सकते। इवन इफ यू टच देम स्लाइटली। अगर उन्हें धीरे से भी आप छू लो तो शी विल गो एंड कंप्लेन टू द पुलिस। वो जाके पुलिस को शिकायत कर देगी। एंड दे विल टेक द पेरेंट्स टू जेल। और वो माँ बाप को जेल ले जाएंगे। एंड आई वाज एस्टोनिस्ट। और मैं चंपित था। Because in India, at least we can beat our children. क्योंकि भारत में हम अपने बच्चों को मार सकते हैं। We can correct them. हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। Because that's what the Bible says. क्योंकि बाइबल यही बताती है। But the world is getting more liberal. ये संसार स्वार्थहीन हो गया है। Human rights is becoming more stronger and stronger. मानव अधिकार सामर्थी और सामर्थी होता जा रहा है। People have their own rights to live and to discern lives. लोगों के पास जीने का और अपने जीवन को बनाने का अधिकार है। In whatever way they can live. वो अपने मर्जी के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। For us in our times truth had to be discovered. हमारे लिए हमारे समय में हमें सच्चाई की खोज करनी होती थी। But there is a generation coming these days. लेकिन आजकल एक पीढ़ी आ रही है। For them truth has to be created. उनके लिए हमें सच्चाई को सृष्टि करके दिखाना होगा। Whatever people around them tells them. उनके चारों ओर जो भी लोग उन्हें बताते हैं। Whatever the technology around them tells them. उनके चारों ओर की टेक्नोलॉजी जो भी उन्हें बताती है। Out of those things they create a truth. उनमें से वो एक सच्चाई को बनाते हैं। And those things become so real to them. और वो सारी बातें उनके लिए सच्चाई हो जाती है। They start living in a virtual world. और फिर वो एक वास्तविक दुनिया में जीने लगते हैं। That's how the world is. ये संसार ऐसे ही है। So it's very difficult with this mindset to understand God's kingdom. ऐसे एक मन की स्थिति को लेकर परमेश्वर के राज्य को समझना बहुत ही कठिन है। Because we fight for every right. क्योंकि हम हर हक के लिए लड़ते हैं। We strike and protest against government injustice. हम सरकार के अन्याय का विरोध करते हैं और धारणाएं करते हैं। We raise our voices against any law that is harmful to us. अगर ऐसा कोई भी कानून बनाया जाए जो हमें नुकसान पहुंचाता हो, हम उसके विरुद्ध अपनी आवाज को उठाते हैं। Those laws which are not beneficial to us, we fight against them. वो कानून जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हम उसके विरुद्ध लड़ते हैं। Even if it may be good for the community. चाहे वो समुदाय के लिए अच्छा क्यों ना हो। But if it does not please me. लेकिन अगर वो मुझे खुश नहीं करता। If it does not make me rich. Yes. अगर उससे मैं अमीर नहीं बनता। If it does not bring me prosperity. अगर वो मेरे जीवन में कुशलता नहीं लाती। I fight. मैं लड़ता हूँ। I raise my voice. मैं अपनी आवाज उठाता हूँ। On the streets. सड़कों पर बैठता हूँ। I demand my right. अपने हक को मांगता हूँ। And that's the concept that has come to this generation. इस पीढ़ी की धारणा यही है। There is fight for everything. हर चीज के लिए लड़ने को चल निकलते हैं। You strike in colleges. महाविद्यालयों में धारणा करते हैं। You fight in medias. मीडिया में लड़ाई करते हैं। You raise your opinions and your voice. अपने राय और आवाज को उठाते हैं। You feel that all your rights must be protected. आपको लगता है कि आपके सभी हक को सुरक्षित रहना जरूरी है। No one can harm you. कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। No one should be able to touch you. आपको कोई छू नहीं सकता। Because you are the king of your life. क्योंकि आपके जीवन का राजा आप हैं। You are your life's master. आप अपने जीवन के स्वामी हैं। No one can come near you. कोई आपके पास नहीं आ सकता। That's the concept that this world is feeding you. ये संसार यही राय को आपको खिला रहा है। But if we want to be a part of God's kingdom. लेकिन अगर हमें परमेश्वर के राज्य के भागी होना है। If we want to enter his kingdom. अगर उनके राज्य में प्रवेश करना है। Then we have to follow the laws of that kingdom. तो हमें उस राज्य में जो कानून है उसका पालन करना होगा। We have to obey what the king of that kingdom says. हमें उस राज्य के राजा की बातों को मानना है। That's why being a mature person. इसीलिए एक परिपक्व इंसान होने के नाते with our already traditionally set mindset. हमारे पारंपरिक मानसिकता के साथ our typical thinking abilities. हमारे प्ररूपी सोचने की क्षमताएं the culture in which we grew up. वो संस्कृति जिसमें हम बड़े It's difficult to understand that kingdom. इन सब के कारण उस राज्य को समझना कठिन है। That's why Jesus told Nicodemus. इसीलिए यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा You must be born again. आपको फिर से जन्ना है। You must be born again. आपको फिर से जन्ना है। We have recently shifted to Chennai. हाल ही में हम चेन्नई में आए हैं। Where our language is different. जहां हमारी भाषा अलग है। Culture is different. संस्कृति अलग है। And we find it very difficult to adjust to this
कल्चर एंड ट्रेडिशन। इस परंपरा और संस्कृति में संयोजित करना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। बट आई हैव फाउंड आउट दैट आवर सन कैन इजीली अडॉप्ट टू दिस किंगडम। लेकिन हमने देखा कि हमारे बेटे के इस जगह से अनुकूल होना बहुत ही आसान था। He is speaking Tamil more than us. हमसे ज्यादा वो तमिल में बोलता है। He has adjusted to this culture more than us. हमसे ज्यादा यहाँ की संस्कृति से वो संयोजित हो गया है। He has adapted himself more easily than us. हमसे ज्यादा आसानी से वो यहाँ से अनुकूलित हो गया है। But for me, लेकिन मेरे लिए to learn a new language, एक नया भाषा सीखना, understand new culture, एक नई संस्कृति को समझना, understand the ways of the people in this place, इस जगह के लोगों के रीति रिवाज को समझना, it's very difficult, बहुत कठिन है, because I have a set mind, क्योंकि मेरा जो मन है वो बन गया है। Grew up in a different culture. मैं एक अलग संस्कृति में बड़ा हूँ। I grew up in different traditions. मैं एक अलग परंपरा में बड़ा था। I follow different rules and regulations. मेरी जो रीति रिवाज है वो बिल्कुल अलग है। So it is difficult for me to adjust to this kingdom automatically. इसलिए एकदम से इस राज्य के बातों को पालन करना मेरे लिए कठिन हो जाता है। Many times it is very frustrating. कई बार बहुत ही निराश हो जाता हूँ। Similarly, if you look at the Bible. इसी तरीके से अगर आप बाइबल को देखें, Told Nicodemus, you must be born again. प्रभु ने निकोदेमस से कहा कि तुम्हें फिर से जन्मना है। And as I came here and started learning about God's kingdom, और जब यहाँ पर आके मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखने लगा, the revelation of this truth came to me. मुझे इस सच्चाई का प्रकाशन मिला। Unless I be born again, जब से मैं फिर से पैदा ना हूँ, unless my heart is changed forever and ever, जब तक मेरा हृदय हमेशा के लिए बदल ना जाए, unless I be born in my spirit, जब तक मैं आत्मा में पुनर्जन्म ना लूँ, unless I born in my thinking, जब तक मैं सोच विचार में जन्म ना लूँ, I cannot enter into that kingdom. उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Because the rules of that kingdom are entirely different than what I think. क्योंकि उस राज्य का जो नियम है वो बिल्कुल मेरे सोच से परे है। The culture of that kingdom is different from what I was born and brought up in. उस राज्य की संस्कृति मेरे राज्य की संस्कृति से बिल्कुल अलग है जिसमें मैं पला और बड़ा। How does this kingdom look like? ये राज्य कैसा है? The kingdom of God has a king. परमेश्वर के राज्य में एक राजा है। And like I was telling you, if we look at different kingdoms where the kings ruled once upon a time. जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, अगर आप ऐसे राज्यों को देखें जिसमें राजा शासन कर रहे थे। The king was everything. राजा सब कुछ होते हैं। He could demand your goats. वो आपके बकरियों को मांग सकते हैं। He could demand the fruit of your trees. आपके पेड़ों के जो फल है वो भी मांग सकते हैं। Grains from your granaries. आपके अनाज के भंडार से अनाज मांग सकते हैं। He could demand your piece of land. आपके भूमि को ले सकते हैं। He could demand everything from you. आपसे हर कुछ छीन सकते हैं। Even the clothes that you wear. आपके कपड़े भी। If the king said, give it to me. अगर राजा ने कहा मुझे दे दो। The citizen had no option but to give it to the king. तो नागरिक को राजा को देना ही पड़ता था। If there is a nice piece of land. अगर एक अच्छी भूमि है। And the king walks by one day and he says, okay, I love this piece of land. और अगर राजा उसमें से होकर चले और कहे कि ये भूमि मुझे अच्छी लगी। I want this land to be in my name. ये भूमि मेरे नाम का हो। No citizen had the courage to speak against that order of the king. एक भी नागरिक ऐसा नहीं हो सकता जो राजा की बातों को टले। They had to give it to the king. उन्हें राजा को देना ही होता था। They had a harvest time and then the tree was ripe with fruit. अगर फसल का समय है और पेड़ फलों से भरा हुआ है। King wanted all the fruits. राजा को सारे फल चाहिए थे। The king would say, "Give me the fruits of that tree." राजा कहेंगे उस पेड़ के फल मुझे दो। The citizen was obligated to give it. और नागरिक को देना ही पड़ता है। They had no questions. उनके पास प्रश्न नहीं थे। The order of the king demanded strict obedience. राजा का जो भी हुक्म होता है उसे पूरी तरीके से मानना होता है। No ifs and buts. उसमें कोई अगर या परंतु नहीं होता। No excuses. कोई बहाना नहीं चलता। No 90% and 10%. 90 या 10% नहीं। It was to be obeyed 100%. 100% पालन करना होता था। Someone did not obey. अगर किसी ने पालन नहीं किया, he was not fit to be in that kingdom. वो उस राज्य में रहने का योग्य बिल्कुल नहीं होता था। He could not stay in the kingdom anymore. उसके बाद वो उस राज्य में नहीं रह सकता। He kicked out of that kingdom. उसे उस राज्य से निकाल दिया जाएगा। That's what a kingdom looks like. एक राज्य ऐसा होता है। So what a king does in his kingdom. राजा अपने राज्य में यही करता है। Nobody can disobey him and live in that kingdom. कोई भी राजा के बात को ना मानकर उस राज्य में नहीं रह सकता। That's why Jesus said, "You must be born again." इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम्हें फिर से जन्म लेना है। In that kingdom, your right is not your right. उस राज्य में तेरा
मेरा हक तेरा हक बिल्कुल नहीं है। If you want to be a part of that kingdom, you sell your rights to Jesus. अगर तुम्हें उस राज्य का भागी होना है तो अपने जो हक है उसे यीशु मसीह को बेच दो। You sell everything that you have to the king of that kingdom. आपके पास जो भी है उन सब को उस राज्य के राजा को बेच दो। He owns the clothes you wear to the homes you have. आपके कपड़े और आपके घर सब उन्हीं का है। The cars you drive to the fruits you eat in your from your tree. वो गाड़ियां जो आप चलाते हैं और वो जो फल जो आप खाते हैं वो सब उन्हीं का है। Many times you say, "Oh Jesus, you are my king." कई बार आप कहते हैं, "हे यीशु, आप मेरे राजा हैं." We sing that even in praise and worship, don't we? आराधना के समय में भी हम ऐसा गाते हैं। Jesus, you are my king. यीशु मसीह, आप मेरे राजा हैं। You are my lord. आप मेरे प्रभु हैं। But if we look at this king of the kingdom. लेकिन अगर हम राज्य के इस राजा को देखें, He demands absolute obedience from you. वो चाहता है कि आप पूरी तरीके से उनकी आज्ञाओं को पालन करें। Many times we ask this question. कई बार हम ये प्रश्न पूछते हैं, Lord, if I give you everything, प्रभु अगर मैं आपको सब कुछ दे दूं, How do I survive? तो मैं कैसे जीऊंगा? How do I look after my tomorrow? मैं कल का सामना कैसे करूंगा? How can I live in this world? इस संसार में कैसे जीऊंगा? That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा, You must be born again. तुम्हें फिर से पैदा होना है। Your thoughts must be transformed. तुम्हारे सोच विचार बदलने हैं। Your thinking system must be changed. तुम्हारे सोच की रीति को बदलना है। The way you think in this world is not what you think on this kingdom. इस संसार में जैसे तुम सोचते हो उस राज्य में ऐसे नहीं सोच सकते। The way you operate in this world is different from how my kingdom operates. इस संसार में जैसे आप काम करते हैं मेरे राज्य में बिल्कुल अलग काम होता है। In this world, you see and then you believe. इस संसार में तुम देखते हो और फिर विश्वास करते हो। But in my kingdom, you believe and then you see. लेकिन मेरे राज्य में पहले विश्वास करते हैं फिर देखते हैं। In this world, you address the need. इस संसार में जरूरतों को बोलते हैं। Depending on the need, people address the needs. जरूरतों के हिसाब से लोग जरूरतों की मांग करते हैं। But my kingdom does not operate on the needs of people. लेकिन मेरा राज लोगों की जरूरतों पर नहीं काम करता। My kingdom operates on what the people want. मेरा राज उस पर काम करता है जो लोगों के लिए आवश्यकता है। If you read the Bible. अगर आप बाइबल पढ़ें। Bible says. बाइबल कहती है। In Israel there were many widows. इज़राइल में कई विधवाएं थी। But Elijah was sent to just one widow. लेकिन एलीशा को सिर्फ एक विधवा के पास भेजा गया। In Israel there were many lepers. इज़राइल में कई कोढ़ी लोग थे। But God sent his healer to a man called Naaman. लेकिन प्रभु ने चंगाई सिर्फ नामान नाम के एक इंसान को दिया। Why? क्यों? God says. प्रभु कहते हैं। Whoever is faithful in small things. जो भी छोटे बातों में विश्वास योग्य है। To him much will be given. उसको ज्यादा दिया जाएगा। We don't understand this concept from worldly point of view. इस संसार के रूप से हम इस बात को समझ नहीं पाते। Person who had just one talent. एक इंसान जिसके पास सिर्फ एक तोला था। He was the one to be helped. उसको सहायता की जरूरत थी। Needed support. सहारे की जरूरत थी। Needed encouragement. उत्साह की जरूरत थी। He needed blessing. आशीर्वाद की जरूरत थी। Needed the opportunities. संदर्भों की जरूरत थी। But the owner of that business came. उस व्यापार का मालिक आया। And took away what that person with one talent had. एक तोले वाले के हाथ से सब कुछ ले लिया। And gave it to one who had already had so much. और उसको दे दिया जिसके पास पहले से ही बहुत कुछ था। He had already 10 talents. उसके पास पहले से ही 10 तोले थे। The kingdom of heaven. स्वर्ग का राज। How do you bring it to your life? अपने जीवन में कैसे लाओगे? Many times we are down and out. कई बार हम गिरे और निराश होते हैं। We stay in our pathetic condition. हम गिरी हुई स्थिति में ही रहते हैं। And we say this prayer. और ऐसे प्रार्थना करते हैं। Lord, प्रभु, you know my needs. मेरी जरूरतों को जानते हैं। Oh, if you want to bless me. अगर आप आशीष देना चाहते हैं। Can bless me. तो आशीष दे सकते हैं। If you don't want to bless. अगर आप आशीष नहीं देना चाहते। Okay. कोई बात नहीं। I already have a wife at home. मेरे पास एक पत्नी है घर में। That's the prayer we pray. हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। But Jesus says. लेकिन यीशु कहते हैं। Do you want to make this kingdom yours? क्या आप इस राज्य को अपनाना चाहते हैं? Whoever has it. जिसके पास भी है। To him much will be given. उसे ज्यादा दिया जाएगा। This is interesting. ये दिलचस्प है। That's why we must be born again. इसीलिए हमें फिर से जन्ना है। You need to set down our concepts about kingdom. राज्य के बारे में जो धारणाएं हैं, उसे हमें फिर से बनाना है। That's why our mind must be born again. इसलिए हमारे मन को फिर से जनने की जरूरत है। Our thinking system should be born again. हमारे विचार को फिर से जनना है। Our culture must be born again. हमारी संस्कृति को फिर से जनना है। Because this is what the kingdom looks like. क्योंकि राज्य ऐसे ही दिखता है। I make the laws of my kingdom. मैं अपने राज्य का कानून बनाता हूँ। Because I am king. क्योंकि मैं राजा हूँ। Do you want to be a part of this kingdom? क्या आप इस राज्य के भागी होना चाहते हैं? Can you say to Jesus? क्या आप यीशु से कह सकते हैं?
यू आर माई किंग, आप मेरे राजा हैं। Once you say that, जब आप ऐसे कहेंगे, he says, वो कहते हैं, I make the rules in your life. तुम्हारे जीवन में जो भी नियम हैं, वो मैं बनाऊंगा. Command you what to do and not. मैं आदेश दूंगा कि तुम्हें क्या करना है और नहीं. I make your do's and don'ts. मैं जो करना है और नहीं करना वो बताऊंगा. Do you want to be a part of my kingdom? क्या आप मेरे राज्य के भागी बनना चाहेंगे? Can I own your everything? क्या तेरे सब कुछ को मैं अपना सकता हूँ? Can I make you mine? क्या तुम्हें अपना बना सकता हूँ? Do you want me to be a king? क्या आप चाहते हैं कि मैं तुम्हारा राजा बनूं? Come, let's pray. आओ प्रार्थना करें. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, You are our king. आप हमारे राजा हैं. And we bow our heads before you. हम अपने सर को आपके सामने झुकाते हैं. Heaven is your throne. स्वर्ग आपका सिंहासन है. Earth is your footstool. और पृथ्वी पैरों की चौकी है. And we come before your holy presence, Lord. हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु. And offer our lives to you. और अपने जीवन को अर्पण करते हैं. Many times in our life we have said you are our king. कई बार अपने जीवन में हमने कहा कि आप हमारे राजा हैं. But we have lived a life that was displeasing to you. लेकिन हमने ऐसे जीवन व्यतीत किया जो आपको बिल्कुल खुश नहीं करता था. A life that has offended you, Lord. एक ऐसा जीवन जिसने आपको दुख पहुंचाया है प्रभु. A life that you were not happy about. एक ऐसा जीवन जिसे देखकर आप बिल्कुल खुश नहीं हुए. But now, Lord, we say to you. लेकिन अभी हम आपसे कहते हैं. Take our lives, Lord. हमारे जीवन को ले लीजिए प्रभु. Birth in us a new spirit. एक नए आत्मा को हमारे जीवन में डालिए. Make us a new creation. हमें एक नई सृष्टि बनाइए. So that we can be a part of your kingdom. ताकि हम आपके राज्य के भागी बन सके. Thank you, Lord, for everything. हर चीज के लिए धन्यवाद. Thank you, Lord, for touching your children. अपने बच्चों को छूने के लिए धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord, for speaking of your kingdom to them. अपने राज्य के बारे में बताने के लिए धन्यवाद. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen and amen. आमीन और आमीन. I pray that this program has blessed you very much. मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप बहुत आशीष पाएंगे. Send us your feedbacks and responses and we will respond to you. अपने विचार और प्रश्न हमें भेजिए और हम आपको उत्तर देंगे. Write to us at the address given. इस पते पर हमें लिखिए. We'd love to hear from you. हम आपसे सुनना चाहेंगे. God bless you very much. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे. Amen. आमीन. If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए. Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, भारत. हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org.